दोस्तों अभी मेसी को बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जो कि दुनिया भर में 4 अरब से भी अधिक लोग इस गेम को देखते हैं और पसंद करते हैं। फुटबॉल में फीफा नाम के एक वर्ल्ड कप आयोजन किया जाता है, जिसमें से सभी खिलाड़ियों का एक ही सपना होता है कि अपने लाइफ में एक बार ना एक बार फीफा वर्ल्ड कप जरूर जीते, जिसमें से मेसी ने इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल का मुकाबला जीत लिया है। अब बारी रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले की। आखिरकार दोस्तों सेमीफाइनल के मुकाबले जीतते ही मेसी ने क्या बयान दिया अपने संन्यास के लेकर, आगे उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोनाल्डो और मेसी में कौन है बेहतर फुटबॉलर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले मेसी का यह आखिरी मैच हो सकता है। मेसी ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कहा था कि उनका अंतिम वर्ल्ड कप होगा। अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने के सपने से कतर पहुंची मेसी का वर्ल्ड कप फाइनल आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को हराने वाले मेसी के लिए वर्ल्ड कप जितना अंतिम सपना है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैच के बाद मेसी ने संकेत दिए कि यह उनका अंतिम मैच होगा। ऐसे में यह अर्जेंटीना के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेमीफाइनल मैच के बाद मेसी ने अर्जेंटीना के मीडिया आउटलेट डियोरियो डिपोर्टिव ओले से कहा, मैं इसे हासिल करने में सक्षम होने के लिए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। फाइनल में अपना आखिरी गेम खेलकर अपनी विश्व कप यात्रा समाप्त करूंगा। मेसी ने आगे कहा, अगले वर्ल्ड कप में अभी काफी समय बाकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बेहतर कर पाऊंगा। अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी के इस बयान के बाद फुटबॉल जगत में मानो तहलका ही मच गया हो। इस वर्ल्ड कप में 35 वर्षीय मेसी ने इस वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अब तक कुल 5 गोल दागा है। मेसी ने सेमीफाइनल मैच के बाद कहा, यह सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम के उद्देश्य को हासिल करने में सक्षम होना है, जो कि सबसे खूबसूरत चीज है। हम कड़ी मेहनत करने के बाद वर्ल्ड कप में बस एक कदम दूर है और हम इसे जीतने के लिए सब कुछ देने जा रहे हैं। मेसी को टीम 8 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में है। साल 2014 में ब्राजील में खेले गए वर्ल्ड कप का फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 18 दिसंबर को वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना की टीम का मुकाबला कप चैंपियन फ्रांस या मोरक्को से हो सकता है। दोनों टीमों के बीच 14 दिसंबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, 35 वर्ष के इस मेसी को आने वाले टाइम में संन्यास ले लेना चाहिए या फिर अभी और खेलना चाहिए, कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।